चौकीदार लेके आओ, उसे पूछताछ किया जाए। तुम्हें थाने में बंद हुए कई दिन हो गया, तुम सच सच बताई नहीं तुमने अपने ससुर जी का खून क्यों किया? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दो। मैं अपने ससुर जी के खून नहीं क्यों, मैं आप पर विश्वास चौकीदार कोई मुजरिम ये नहीं मानता मैंने कत्ल किया है जब तक उसके ऊपर लाठी चार्ज ना किया जाए। हंटर उठाओ तो 200 हंटर लगाओ, तब हरामजादी बयान करेगी। हम सच सच तुम ये बता दो कि अपने ससुर का खून किस लिए किया और क्यों किया? मैं कितनी बार कहूँ मैंने अपने ससुर जी का खून नहीं क्यों सब मेरी बात रही थी। ऐसे नहीं बताई, बखत औरत। अरे कम से कम अब तो बता दे खून किस लिए किया है और तूने किया है, अपना जुर्म कबूल कर ले, नहीं तो मारते मारते तेरी चमड़िया उधर ली जाएगी। मैंने की नहीं, कैसे कबूल कर। अरे छोड़ दो मेरे तुम हुजूर, छोड़ दो मेरे तुम हुजूर, भाभी तो है जबान तुम मंजूर। सोता हुजूर सुन लो मेरे तुम हुजूर, भाभी का है जवान दरोगा जी। कहिए। मैं अपनी भाभी को देख लो कोर्ट से जमानत लेके आया हूं। चौकीदार कोर्ट का आदेश है, जमानत इसी हो गई है, इसे छोड़ दिया जाए। समझा दो तुम्हारी भाभी बगल में है। अच्छा, उनको लिवाकर जा सकते हो और उन्हें बता दीजिएगा कि जो गलती इन्होंने की है ऐसी गलती दोबारा ना करें और इस केस की तहकीकात जारी रही है। देखो बंद नहीं होगा इस केस की तहकीकात। देखो सर, मैं सब कुछ समझा दूंगा मगर इस केस का बहुत कायदे से जानकारी मतलब कि आप करना कि जो मुलजिम हो उसी को जेल भेजा जाए, जो निर्दोष हो उसे छोड़ दिया जाए। कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि जो मुलजिम हो उसे ही सजा मिले और जो निर्दोष हो उसे छोड़ दिया जाएगा। और आपने समझा दीजिएगा कि ऐसा काम न करे अन्यथा फिर उन्हें जेल में बुलाया जाए। नहीं 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 सर, मैं समझा दूंगा, चिंता मत करिएगा। और केस के लिए इनके पास फिर कभी पूछताछ हो सकती है। ठीक है, जब आप बुलाएंगे थाने मैं अपने भाभी को लीवा के चलाऊंगा। जाऊं, नमस्ते। चलो भाभी।
देखते हैं क्या हो रहा है। साहब चलिए हम लोग चलते हैं दमदमा पसियाने में। पसियाने में क्या करने? वहाँ पर बहुत जो है कि महुआ वाली दारू बनती है और वहाँ पे भट्टियों पर हम लोग रेट मारेंगे, का दो खम्भा लेंगे, पियेंगे, मौज करेंगे, फिर उसके बाद खाने पियेंगे। नहीं चलो यहाँ से चौकीदार चले चले। चलो रास्ते क्यों रुके, चलो घर चले। ऐसे घर नहीं जाऊंगा भाभी। क्या बात है? मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। मुझसे जानना चाहता है सत्य? क्या जानना चाहता है भाभी? साफ साफ बताना, झूठ नहीं बोलना। क्या बताओ? कि मेरे पिताजी का खून कौन किया? ससुर जी का खून मैंने नहीं किया। क्या कहा? मेरी बात पर विश्वास के मना, मैं खून नहीं किया। अभी मुझे विश्वास नहीं होता, तो साफ साफ बता दो, नहीं तो मैं तुझे मारते मारते। अभी बता बता दे भाभी, मैं तुझे प्रेम से पूछ रहा हूं, नहीं तो अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलो भाभी, मेरे पिताजी का खून कौन किया? तू चलना चाहता ना तो कान खोल कर सुन, और आपका सबसे बड़ी दौलत उसका सुपुत्र और उसका औलाद होता है। नहीं भाभी, तूने मेरे भतीजे को कसम खा लिया, तूने अपने औलाद को कसम खा लिया। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। भाभी ऊपर वाला मुझे कभी नहीं माफ करेगा। मैं अपने मजे से भाभी थोड़ा टूटा दिया, भाभी मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। चलो इस घर चलते, नहीं मेरा मुन्ना रंजित मेरी राह लगता होगा, रोता होगा। भाभी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे घर में क्या हो रहा है। ना जाने मेरे पिताजी को कौन मार डाला, इसका राज कुछ पता नहीं चल रहा है। भाभी आओ चलो। क्या है भाभी? अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढ के तो नहीं भी जिंदगी में।
साथियों, सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरा शुभ नाम क्या है। बाबूजी, मैं जिला जबलपुर गांव ललितपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। मेरे बाबूजी का नाम श्री शालिग्राम भगत सेठ है। मेरे पास सगी मानाई है, सौतेली माँ है। मेरी सौतेली माँ का नाम नवीना रानी है। मेरे पास ये छोटा भाई है, मेरे भाई का नाम सतीश कुमार है। बाबूजी, मेरी शादी कर दी है। मेरी पत्नी का नाम मंजू देवी है। मंजू की कोख से एक बेटा है, उस बेटे का नाम रंजीत कुमार है। बाबूजी, मैं अपना घर छोड़ करके बॉम्बे शहर में रहता हूं, स्टील फैक्ट्री में काम करता हूं। आज घर से आए हुए मुझे 2 साल हो गया। सोच रहा हूं कि चल करके घर पर सबसे मिलो और मिल करके 10-15 दिन रहूंगा, उसके बाद फिर बॉम्बे शहर चला आऊंगा। इसी बॉम्बे शहर में एक मेरा दोस्त है, उसका नाम सीताराम है। वो मेरे ही साथ गांव से बॉम्बे शहर में आया था। सोच रहा हूं उससे मुलाकात कर लो, फिर चल करके ट्रेन पकड़ता हूं और अपने गांव ललितपुर को चला जाऊंगा। ओ भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सीताराम, ये बताओ कैसे हो तुम? हम ठीक है भैया, और आप ही कभी कहते हैं? ठीक है सीताराम भैया, आज गांव से बॉम्बे आए हुए 2 साल हो गया। हाँ भैया, तू मेरे ही साथ आया था। हाँ, मैं तो गांव जा रहा हूँ, ये बता तू भी चलना चाहता है? अरे तो भाई, लेकिन हमारे कुछ कमाई नहीं है भाई, कहाँ चली पैसा बहना है भाई? क्या हुआ, 2 साल में जो कमाया क्या किया भैया? हो जाऊ कमाते भैया, दारू पीते है, जुआ खेलते है, कहो कहो कोठा चला जाते है। यही कर रहा था, दारू पी रहा था, कोठे पे जा रहा था। ये बता तेरे परिवार का खर्च कैसे चलता है भैया? जब से आए को पैसा दे बैठा है भाई, हमारे घर पैसा हो तो दे दो, परिवार देखे, लेकिन मजबूर है भाई, पैसा नहीं आएगा।
चल अगर नहीं जाना चाहता है तो ठीक है, तू यहीं पर रह, मैं जा रहा हूँ, चल करके ट्रेन पकड़ता हूँ और गांव जा रहा हूँ, 10-15 दिन के बाद फिर वापस चला हूँ। ठीक है भैया, जाओ जाओ भैया, नमस्ते। बालाजी माई खुश रहा है बेटवा, देखा बेटवा, हाँ। हमारे बेटा सुरेंद्र फोन करे रहे, हाँ। मुंबई शहर से घरे आवत है, उनको बात बताया जी। ठीक का मतलब बैठे हैं, बैठे हैं।